हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप किस तरह से दुश्मन पर भारी पड़ जाते हो, वो क्या चीज़ें हैं आपके अंदर जिसकी वजह से आप दुश्मन पर भारी पड़ते हो, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। पहला ही कार्ड आ गया यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा जो कार्ड है वो टू ऑफ पेंटिकल्स। वो क्या बात है आपके अंदर जो आप दुश्मन पर भारी पड़ जाते हो, ये हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है। क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप दुश्मन पर भारी पड़ जाते हो, आपके अंदर वो क्या बातें हैं या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप दुश्मन पर भारी पड़ जाते हो। वर्ल्ड का कार्ड है। क्या बातें हैं जिसकी वजह से आप दुश्मन पर भारी पड़ जाते हो। टॉवर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ भी कुछ कार्ड्स निकले। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है इस रीडिंग में। फूल, बहुत सारे कार्ड हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा टेन ऑफ कप्स। तो अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो आप एक फैमिली पर्सन हो, आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के लिए हर संभव प्रयास करते हो, है ना, और आप हमेशा अपनी फैमिली को जो है खुश देखना चाहते हो, है ना। अब हम बात करते हैं राशि की। आपका रूट चक्रा बहुत जो है एक्टिवेट है, मींस आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो और हेल्थ भी आपकी ठीक रहती है, कह सकते हो आप बहुत एजुकेटेड हो। और यहाँ पर अगर राशि की बात करें तो वृष कन्या मकर आपकी राशि हो सकती है, आपकी राशि मेष हो सकती है, आपकी राशि मिथुन हो सकती है। ये जो पांच साइन है बहुत स्ट्रांग इस रीडिंग में दिखाई दे रहे हैं। आपका मंगल बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आपका शनि आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग हो सकता है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो अक्टूबर हो सकता है, जून हो सकता है, फरवरी हो सकता है, अगस्त हो सकता है, सितंबर हो सकता है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। और आपका जो नेचर है ना, वो आपका नेचर ऐसा है कि आप अगर किसी काम को स्टार्ट करते हो ना तो आप उसको फिनिश करके ही छोड़ते हो, इस तरह का नेचर है। आप किसी भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ते हो, ये एक बहुत कह सकते हैं बहुत ख़ास बात है आपके अंदर। तो अब हम चलते हैं कि आपके अंदर वो क्या चीज़ें हैं जो दुश्मन पर भारी पड़ जाती हैं। तो आपके अंदर वो क्या चीज़ें हैं जो दुश्मन के ऊपर भारी पड़ जाती हैं, है ना। पहली चीज़ तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो जैसा करता आप उसको वही जवाब देते हो, उसी तरीके से जवाब देते हो, ये एक आपका नेचर है। चाहे वो मनी की बात हो, चाहे कोई आपके साथ प्रेम की बात हो, अगर लोग आपको प्रेम देते तो आप भी पलटकर उनको प्रेम देते हो, कोई आपको सहयोग देता है तो आप भी पलटकर उनको सहयोग देते हो, अगर कोई आपको
ईंट से जवाब देता है तो आप उसे पत्थर से जवाब देते हो, एक वो वाला आपका नेचर है, जो जैसा देता आप उसको वैसा ही देते हो और बढ़ चढ़ कर देते हो कई बार, है ना। तो इस कारण से जो है शत्रु के ऊपर आप भारी पड़ जाते हो, यह आपका नेचर है। और या तो आपको गुस्सा आता नहीं है, और आता है तो फिर शांत नहीं होता, है ना, बहुत मुश्किल से शांत होता है। और जब गुस्सा आता है तो आप शत्रु की बैंड बजा देते हो, आप शत्रु की कह सकते हैं फजीहत कर देते हो, इस तरह का आपका नेचर है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हो, आप किसी से कुछ नहीं कहते, आप किसी से कुछ नहीं बोलते, किसी के बीच में टांग नहीं अड़ाते, किसी को फालतू नहीं बोलना, किसी को टॉर्चर नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना। और जब शत्रु आपको परेशान करता है बार बार, फिर आप सहन नहीं कर पाते हो, फिर आप उसको मुंह तोड़ जवाब देते हो, फिर आप चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पाते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, हालांकि आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, मीन्स आप जैसे स्तर के लोगों से आप मिलते हो आप उसी तरह के हो जाते हो। अगर कोई बहुत फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, पुअर इंसान है, परेशान है, नीडी है, अगर उसके साथ आप मिलोगे तो आप उसके जैसे हो जाओगे, आप उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाओगे। आप गरीबों की हेल्प करते हो, आप परेशान लोगों की हेल्प करते हो, आप लोगों पर बहुत जल्दी दया खा जाते हो, और सिर्फ लोगों पर ही नहीं, आप एनिमल्स पर भी बहुत जल्दी, किसी भी इंसान पर आप बहुत जल्दी, आपको दया आ जाती है, आपका नेचर इस तरह का है। द वर्ल्ड का कार्ड है, शनि आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आप बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। टावर का मंगल आपका बहुत स्ट्रांग है, आप गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते और गलत ना ही सहन करते हो, और जब गलत चीज़ें होती हैं तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप बहुत अवेयर रहते हो, सतर्क रहते हो और अवेयर रह के चलते हो, अपने आप को सेफ जोन में रखते हो, किसी से कुछ नहीं कहना, ना अगर किसी से आप कुछ कहते नहीं हो तो उससे सुनना भी पसंद नहीं करते, आप फालतू किसी को बोलना पसंद नहीं करते, है ना। तो इस तरह का नेचर। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ ये रिजोनेट करे, कुछ कुछ पार्ट्स आपके साथ रिजोनेट कर सकता है। कुछ कार्ड और मैं लूँगी। कंपैरिजन, सेपरेशन, बर्डन, मास्टर, लेटिंग गो, हार्मनी, बॉटम ऑफ द डेक, हीलिंग। तो यहाँ पर देखिए, आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारी चॉइसेस हो, और यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप किसी को, एक नेचर आपका ये भी बहुत अच्छा है कि आप किसी को ना नहीं करते, अगर किसी ने आपको किसी काम के लिए बोला है तो आप उसका काम तुरंत करने लग जाते हो। आप कभी किसी को मतलब ये कह सकते हो आप मना करने की आपकी आदत नहीं है, और उसकी वजह से हो सकता है कभी कभी आप पर बर्डन्स भी आ जाता है, लेकिन लोग इस बात को बहुत मानते हैं कि आप किसी को निराश नहीं करते, आप किसी को दुखी नहीं करते। अगर कोई आपके पास आएगा, कुछ कह सकते हैं, कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा तो आप उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हो। फूल का कार्ड है, आप प्रेजेंट में रहते हो, पास्ट को नहीं देखते, फ्यूचर को नहीं देखते, प्रेजेंट में रहना। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि पास की चीज़ों को अपने दिल और दिमाग में बिठाए रखते हैं, है ना, तो ये वाली आदत नहीं, आप प्रेजेंट में जीते हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप के परिवार में हो सकता है बहुत प्रेम हो,
बहुत हो सकता है ज्वाइंट फैमिली हो, क्योंकि हो सकता है आप परिवार के बड़े हो तो आप परिवार को लेकर चलते हो। तो यहाँ पर आप अपने परिवार का, अपने भाई बंधुओं का ख्याल रखते हो, है ना? तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है। ये चीज़ें भी दुश्मन पर भारी पड़ जाती हैं, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ है। जब भी कुछ परेशानी आती है तो आपके साथ आपका परिवार, आपके फ्रेंड्स, आपके मित्रगण जो है तैयार हो जाते हैं, आपके साथ इकट्ठे हो जाते हैं, है ना? तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है। हालांकि आपकी लाइफ में संघर्ष बहुत आए होंगे, बट उन संघर्षों को आपने अपने विल पावर से, अपनी आत्मशक्ति से, अपनी मेहनत से जो है उनको ओवरकम किया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जब तक किसी भी चीज़ में अति नहीं होती, आप एक्शन नहीं लेते हो। जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है किसी भी चीज़ की, तब आप एक्शन लेते हो। तो ये भी चीज़ें जो हैं शत्रु पर बहुत भारी पड़ जाती हैं। हारमनी का कार्ड है। आप कोशिश करते हो कि सबके साथ हारमनी बनाकर चलो, है ना? आप लेटिंग गो करके चलते हो। बहुत सारी चीज़ों को आप लेट गो कर देते हो। आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। ये भी आपके अंदर एक बहुत अच्छी बात है। आप किसी के साथ को डिफ्रेंशिएट नहीं करते। आप किसी के साथ ये नहीं करते कि भाई ये गरीब है या ये कमज़ोर है या ये अमीर है। नहीं, आपके लिए सब लोग समान हैं। आप सबको एक समानता के साथ देखते हो। सप्रेस नहीं करते। आपके अंदर जो चीज़ है आप लोगों को बोल देते हो। आप अंदर दबा कर नहीं चलते अपनी फीलिंग्स को। आप तुरंत बोल देते हो, मन में नहीं रखते। वो वाला आपका नेचर है। द बर्डन का कार्ड है। और जो चीज़ें आपको के लिए को सर्व नहीं करती, आप उसको छोड़ देते हो, है ना? आप किसी के कहे अनुसार नहीं चलते, आप अपने अनुसार चलते हो। आपका जो मन कहता है आप उसके हिसाब से चलते हो। मास्टर का कार्ड है। आपके ऊपर डिवाइन एनर्जीज की ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। आप अपने जीवन के खुद ही मास्टर हो। आपने जो कुछ भी हासिल किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मबल से, अपने प्रयासों से। तो ये जो चीज़ें हैं ना, दुश्मन के ऊपर भारी पड़ जाती हैं। ये जो आपके अंदर पावर है, और भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे। पलट कर आए हैं इसलिए मैंने पूरे कार्ड्स ले लिए। थर्ड चक्र आर्क एंजल केमूल, सेकंड चक्र आर्क एंजल एरियल, पेशेंस एंजल ऑफ लव। डोर टू रोमांस स्ट्रेटेजी एक्शन। तो यहाँ पर देखिए, आपका थर्ड चक्रा जो है बहुत स्ट्रांग एक्टिवेट हो सकता है। आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आप बहुत करेजियस हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, है ना? साथ साथ आप इमोशनल भी हो, क्रिएटिव भी हो। साथ साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। जिसके भी साथ आपका रिलेशन एक बार अच्छा बन जाता है तो वो रिलेशन आप का जो है कभी नहीं टूटता, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत हाई लेवल का है। बहुत हाई लेवल में है पेशेंस, मतलब आप बहुत सब्र वाले इंसान हो। इसलिए कई लोग हो सकता है आपको एंजल ऑफ लव कहते हो, आपको एंजल पुकारते हो। डोर टू रोमांस, लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपसे स्नेह करते हैं। आप हो सकता है, देखिए एक्शन का कार्ड है, आप दूसरों के लिए एक्शन ले लेते हो। कई बार आप दूसरों के लिए जो है कुछ ऐसे कार्य कर देते हो जो वो जीवन भर याद रखते हैं। स्ट्रेटेजी, आप कोई स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते। लोग स्ट्रेटेजी बना के चलते, आप स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करते। आप बहुत सरल स्वभाव के हो, बहुत सब्र वाले इंसान हो। एक कई लोग आपको फरिश्ता बोलते, कई लोग आपको एंजल बोलते हैं, है ना?
क्योंकि आप लोगों की मदद करते हैं, निस्वार्थ भाव से आप प्रेम करते हो, तो ये जो चीजें हैं ना आपके शत्रुओं पर भी भारी पड़ जाती है। तो ये थी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।